देखा आपने? ओह वाह, यस। इस बार 2018 में BCL जो है हमारी टीम है। हम लोग BCL में गोवा किलर, पहले शार्क था बट अभी किलर हो चुका है, तो हमारी टीम है और मैं गोवा किलर की टीम से राखी सावंत प्ले कर रही हूँ। और हमारी टीम इतनी दासू है, तो सामने मुंबई आए, लखनऊ आए, कोटा आए, कोलकाता आए या दिल्ली आए, इनको हम किल कर देंगे। मतलब किलर टीम है पूरी, किलर। आपका सिर्फ खेल की बात नहीं है, ऐसे भी आम जिंदगी में भी आपका जो बात होता है, अपनी बातें होती है या कोई भी जो बहुत पावरफुल होता है। हाल ही में जो कंट्रोवर्सी को लेकर जहाँ करनी चलाने आपको काफ़ी टॉर्चर करना कहते हैं, क्या करना चाहेंगे? फिल्म निकल गली, कितना भी विरोध हुआ? देखिए, मैं हमेशा ये आई एम सो हैप्पी के थैंक्स टू एकता कपूर के उन्होंने BCL टीम बनाया। और BCL में जो टीम है उसमें विमेंस, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों प्ले कर सकते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग हमेशा टीवी पे देखते हैं बैठ के मैच, ज़िंदगी में नहीं सोचा। हर कोई यही समझता है कि लड़कियां क्या है, सिर्फ रोटियां बना सकती है, किचन में है, अरे ये क्या बैट उठाएगी और क्या बल्ला चलाएगी, क्या बॉलिंग करेगी। दोस्तों, मैं कहती हूँ कि ये जो है ना दिमाग का जो तुम्हारा फतूर है ना, वो कीड़ा निकाल लो। लड़की फ्लाइट चला रही है, यू नो, चांद पे जा रही है, मंगल ग्रह पे जा रही है। और अभी मुझे देखना क्या था, धुरंधर बैटिंग और बॉलिंग करते हुए। हाल ही में बहुत खास अक्षय की पैड में आई, जो इशू है वही वुमेन एम्पावरमेंट पे ही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो जो इशू है कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और कितना ज़्यादा कुछ हुआ? नहीं, थैंक्स टू अक्षय कुमार के। अक्षय कुमार जो फिल्म लाते हैं वो इतनी अच्छे सब्जेक्ट जैसे टॉयलेट, पैड, तो कभी नहीं सोचा भी नहीं था किसी ने कि ये पैड एक वुमेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बहुत, और ये कैसे बना ये सिर्फ अक्षय कुमार ने सोचा, और जिन्होंने रियल पैड बनाया उन्होंने सोचा, बिकॉज उसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। पहले के ज़माने में हुआ करता था कि अपने ही कपड़े फाड़ के उसे एज अ पैड यूज़ किया करते थे। तो ज़माना कैसे बदल गया कि कैसे कॉटन को एक सही इस्तेमाल किया गया पैड बनाकर। मैंने फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार के, ऐसे अच्छी फिल्म उन्होंने फिल्म को ठुकराया। बहुत सारी फिल्में सब आ रही है। देखिए, फिल्मों में काम करना हमारा काम होता है, अब रिलीज़ करना प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। थैंक यू।